Hey guys, this is Harshit here. Welcome back to another episode of Minecraft. आज मेरे पास है तुम्हारे लिए बहुत सारे PvP mods MCP के लिए। हाँ, मुझे याद है मैंने 8 महीने पहले तुम्हें बोला था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद टाइम इतनी स्पीड में बीता कि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं बनाया पाया कि नहीं। लेकिन anyways, मेरे पास आज बहुत सारे बढ़िया बढ़िया PvP mods है और बहुत सारे जावा की तर्ज पे है, मतलब तुमको मजा आने वाला है, साथ में तुम्हारी PvP बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, मैं इतने दिन से जो गायब रहता हूँ ना, मतलब कि 10-10 दिन में एक वीडियो आती है, तो इस चीज का आंसर तुम्हें अगली वीडियो में जरूर मिल जाएगा। बाय द वे, अगर मैं PvP mods की बात करूँ ना, तो ये पूरे के पूरे नए हैं, लेकिन इस पे एक चीज पुरानी है जो कि है टेक्सचर पैक, जो कि मेरे को यही वाला पसंद है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग 2,80,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, और फिर उसके बाद हमें 3,00,000 कंप्लीट करनी है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो, क्योंकि एमसीपी और माइनक्राफ्ट जावा एडिशन से रिलेटेड पूरी वीडियो में ये वाले चैनल पे डालता रहता हूं। बाय द वे, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको स्पंकी इंसान 2.0 से स्पंकी इंसान कर दिया। तो ये वाला कैसा मेरे को कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में जितने ज्यादा कमेंट आएंगे कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट उतने ही जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब 8 महीने बाद आए। और हां, आप लोग ये पूरे मॉड्स को एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो नीचे मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उसको देख सकते हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आप लोग एक्शन शील्ड पीवीपी करते हो, या फिर किसी भी चीज में आप लोग शील्ड को यूज करते हो और आप लोग के मुंह के सामने शील्ड आती है, तो बहुत ज्यादा बेकार और वियर्ड लगता है। लेकिन अगर आप लोग ये वाला मॉड लगा लोगे ना, तो देखो यहां पर शील्ड मेरी साइड में हो गई है, और साथ में अगर मैं शील्ड को यूज भी कर रहा हूं ना, तो उसके बाद शील्ड देखो मेरी मुंह के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखो शील्ड मेरी कहां पर है, और अगर मैं इसको यूज भी कर रहा हूं तो कितने नीचे। तो यार, मेरे ओपिनियन में ये वाला मॉड तो बेस्ट है, आप लोग इसको जरूर ट्राई देना। जंपिंग इनटू सेकंड मॉड, ये वाले मॉड में आप लोग को आर्मर हर्ड मिल जाता है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ड्यूरेबिलिटी वाला लाओ, तो देखो ड्यूरेबिलिटी वाला अभी तक आया नहीं एमसीपी में, मतलब आ चुका है लेकिन वो क्लाइंट्स के अंदर होता है। तो देखो अभी यहां पर मैं अपना आर्मर लगाऊंगा ना, तो जैसे मैं यहां पर आर्मर लगा लूंगा, तो साइड में देखो यहां पर आर्मर का हर्ड दिख रहा है, साथ में मेरे हाथ में जो भी चीज है वो दिख रही है। आई नो अगर इस पे ड्यूरेबिलिटी होती तो और भी ज्यादा यूजफुल होता, लेकिन अभी भी ठीक ही है। अब बहुत सारे लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं ना, तो वो लोग आउटलाइन का यूज करते हैं, और आउटलाइन का यूज करना सही भी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक उससे हाईलाइट हो जाता है। तो सेटिंग में जाके मैं सबसे पहले आउटलाइन को ऑन करता हूं, और फिर उसके बाद तुम्हें दिखाता हूं ये वाला मॉड लगाने के बाद मेरी जो आउटलाइन है ना, वो व्हाइट कलर की हो गई, क्योंकि एज तुम लोग को पता होगा कि माइनक्राफ्ट में ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है, लेकिन अभी यहां पर व्हाइट हो गई, जैसे सनपा यूज करता है। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, जिसको अपने विजुअल और गेम को अच्छा इनहेंस करना ना, वो यहां पर यूज कर सकता है। बाय द वे, एक मॉड और आता है जिसे तुम लोग कस्टम आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग को पता है कि यहां पर ऑफिशियल सोडियम माइनक्राफ्ट में नहीं है, लेकिन ये वाले मॉड से आप लोग पार्टिकल को डिसेबल कर सकते हो, जैसा कि सोडियम में होता है। तो अभी मैं गेम में आ चुका हूं, और अभी आप लोग को मैं अगर कुछ भी ब्लॉक को ब्रेक करके दिखाऊंगा, या फिर कुछ भी चीज करते हुए दिखाऊंगा ना, आपको एक भी चीज के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, लिटरली एक भी चीज के नहीं। अब इससे दो चीज के बेनिफिट है, एक तो तुम लोग यहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और दूसरी बात यह कि तुम लोग को पार्टिकल नहीं दिखेंगे, तुम्हारा गेम भी इनहेंस हो जाएगा, मतलब FPS ज्यादा आने लगेंगे। ना ही तुम्हें खाने के पार्टिकल दिखेंगे, ना ही तुम लोग यहां पर अगर पोशन फेंकोगे, तो ना पोशन के जो इफेक्ट निकलते हैं वो, और ना ही पोशन के जो पार्टिकल निकलते हैं वो, कुछ नहीं दिखेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाले मॉड का नाम है हर्ड एंड कोऑर्डिनेट मॉड। इस वाले में तुम लोग को कोऑर्डिनेट दिख जाते हैं, साथ में तुम्हारी डायरेक्शन दिख जाती है, और ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तुम्हें FPS दिख जाएंगे, और साथ में क्या पिंग आ रही है वो दिख जाएगा, और नीचे डायरेक्शन के जस्ट बाजू में तुम्हें टाइम भी दिखता है। और ये एक्चुअल माइनक्राफ्ट का टाइम है, देखो अभी 17 मिनट होने वाले हैं और 20 मिनट में रात हो जाएगी। अगर तुम किसी सर्वर में लाइफ स्टील या फिर कुछ भी चीज खेलते हो ना, तो ये वाला मॉड तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, बहुत बढ़िया मॉड है भाई ये। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाने की कोशिश करूंगा। और साथ में मुझे पता यार वीडियो बहुत छोटी बनाया मैंने, और 13 दिन बाद आने के बाद इतनी छोटी वीडियो, लेकिन कोई नहीं यार, आगे चल के हम लोग बढ़िया से कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अभी थोड़े बहुत रीजन और पर्टिकुलर इश्यूज है, इसलिए उसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, आगे चल के बहुत सारे वीडियो डालूंगा। साथ में अगर आप लोग को इसी टाइप का कंटेंट देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं हर्षित मिलूंगा तुम लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।